इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तब आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करते हैं, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट की, यानी के ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी के मोशन ऑफ द हीट। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील्स करता है हीट से, ट्रांसफर ऑफ हीट से। यहां पर देख सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो वर्ड्स हैं। पहला होता है थर्मो और दूसरा होता है डायनामिक्स। तो यहां पर देख सकते हैं ये है थर्मो और ये है डायनामिक्स। जो थर्मो होता है वो रिलेट करता है हीट को, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्क। और ये हीट और वर्क जो होते हैं ये होते हैं ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, यानी कि जहां पर हम हीट की बात करते हैं या वर्क की बात करते हैं दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहां पर देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट की और वर्क की बात करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर हम बात करेंगे हीट की एंड डायनामिक्स यानी कि मोशन। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट के मोशन की बात करते हैं दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन, यानी कोई भी चीज चलना, डायनामिक्स। अगर बात करते हैं थर्मो की तो थर्मो मीन्स होता है हीट और वर्क, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वर्क और ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर ये हीट और वर्क दोनों ही होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि दोनों एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर होती है हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक फेनोमेना बताने जा रहा हूँ जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहला बात करते हैं हीट की, हीट और अगर बात करते हैं वर्क, तो आपको याद रखना है हीट और वर्क दोनों एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको ये कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि हीट और वर्क दोनों क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही दिक्कत इसमें आती है। तो आपको मेमोराइज कर लेना है हीट और वर्क दोनों क्या है, सेम फेनोमिने है, इन्हें मैक्रोस्कोपिक लेवल, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो हीट और वर्क दोनों सेम फेनोमिने हैं और ये दोनों ही ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को। ये दोनों एनर्जी नहीं है, मोड है एनर्जी को ट्रांसफर करने की। वैसे ही बात करते हैं हम टेम्परेचर की, टेम्परेचर काफी कॉम्प्लिकेटेड स्केल है और यहां पर याद रखेंगे ये तीनों फेनोमिने ही इस कंप्लीट बनाते हैं थर्मोडायनामिक्स को, जहां पर ये वर्क हीट और टेम्परेचर। तो मैं आपको बता दूं हीट जो होती है वो वर्क होती है और ये वर्क कर सकती है, वर्क होती है और यहां पर एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो कई बार माइंड में ये आता है कि ये क्या है, स्केल है या फिर ये क्या है, हीट है। कई बार इन दोनों को हम कोरिलेट करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो डिफाइन करता है हीट को। ऑलवेज रिमेंबर हीट होती है वर्क जो डिफाइन करती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर बात करते हैं टेम्परेचर की तो टेम्परेचर होता है यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और याद रखेंगे इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स हीट वर्क। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से सीखनी है तब आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।